मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एमसीसी की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। इसके बाद में हम ये भी चर्चा करेंगे कि यूएसएमली एग्जाम क्या है, नेक्स्ट एग्जाम क्या है, एब्रोड वाले कैंडिडेट को क्या सोच के एब्रोड जाना चाहिए, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नेक्स्ट में उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा, कैसा रहेगा उनके लिए नेक्स्ट, और एफएमजे एग्जाम में क्या होता था, क्या इनका पासिंग रेट है, इसके बारे में इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा यूएसएमली एग्जाम के बारे में, नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, और जो भी पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी आपका डाउट पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीसी की काउंसलिंग की। तो एमसीसी की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है ये किसी को भी नहीं पता। अभी तक किसी को भी ये पता नहीं है कि एमसीसी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। अब इसमें हम पॉसिबिलिटी ये देख सकते हैं कि ये कब होगी। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी बन रही है ये 6 जनवरी 2022 के बाद ही बन रही है, यानी कि जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसके बाद ही स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि यूजी और पीजी दोनों के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए उसमें जो ईडब्ल्यूएस की लिमिट रखी गई है वो सेम है और उसी लिमिट का अभी मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है ये पॉसिबिलिटी है 6 जनवरी 2022 के बाद में क्या हियरिंग में डिसीजन होता है उसके बाद ही काउंसलिंग का पता लगेगा कि ये कब हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्टेट्स के फर्स्ट राउंड पहले कंडक्ट हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एमसीसी का फर्स्ट राउंड हो ही ना, डायरेक्ट ही सेकंड राउंड हो, यानी कि जो फ्री एग्जिट वाली जो स्टूडेंट को फैसिलिटी दी जाती है एमसीसी के फर्स्ट राउंड में वो ना हो, डायरेक्ट एक ही राउंड हो और फिर वैकेंट सीट को स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाए अगर स्टेट का राउंड पहले फर्स्ट कंडक्ट हो जाता है तो। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 22 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये कह नहीं सकते। इस बार काउंसलिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 6 जनवरी 2022 के बाद ही स्टार्ट होने की संभावना है, लेकिन स्टेट्स की काउंसलिंग पहले धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो ये तो जानकारी थी एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, क्योंकि अभी आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम होगा। तो ये हम इसमें ये जानेंगे कि ये एग्जाम कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, कब क्यों कैसे, इन तीनों क्वेश्चनों के जो जवाब हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट एग्जाम क्या है। तो ये नेशनल एग्जिट टेस्ट है, यानी कि ये अभी आने वाले समय में जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे हैं उनको ये एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कब ये एग्जाम कब होगा। तो ये एग्जाम जो 2018 का बैच था और जिसकी एग्जाम 2023 में जिसका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है इस बैच के लिए ये एग्जाम होगा मार्च 13 में। लेकिन मार्च 13 से पहले मिड 22 में, यानी कि 22 जून के आसपास एक ट्रायल लिया जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम के लिए कितने रेशियो में स्टूडेंट उसमें पास हो रहे हैं, कितने रेशियो में उसमें फेल हो रहे हैं। तो ये ट्रायल किया जाएगा 22 जून में और ये एग्जाम फर्स्ट नेक्स्ट का जो एग्जाम होगा वो 23 मार्च में ये एग्जाम होगा। अब ये जो नेक्स्ट का एग्जाम है, ये नेक्स्ट का एग्जाम है ये क्यों होगा,
ये नेक्स्ट का एग्जाम लागू करने की क्या जरूरत पड़ी, क्या नौबत आई ऐसे कि नेक्स्ट का एग्जाम लागू करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो सिस्टम था एमबीबीएस का वो ये है कि 4.5 साल का जो एमबीबीएस है उस 4.5 साल में 4 यूनिवर्सिटी एग्जाम होती हैं, यानी कि 4 टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम होती हैं, फर्स्ट ईयर के टाइम में, सेकंड प्रोफेशनल के टाइम में, इसके बाद में थर्ड फर्स्ट और थर्ड फाइनल प्रोफेशनल, उसके बाद ये एग्जाम हुआ करती थी। जो फाइनल प्रोफेशनल के बाद एग्जाम होती थी यूनिवर्सिटी एग्जाम, वो पास करने के बाद में स्टूडेंट को प्रोविजनल एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती थी, उसके बाद इंटर्नशिप करके वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे और उसके बाद में पीजी का एग्जाम होता था, पीजी का एग्जाम देके वो पीजी का कोर्स भी कर सकते थे। तो अभी तक ये होता आया था, लेकिन अभी इसमें ऐसा था कि जो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था ये यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम होता था, और किसी किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम इजी होता था, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हार्ड होता था। बच्चे 4-4.5 साल तक मस्ती करते थे किसी यूनिवर्सिटी में, फिर पास कर जाते थे, डॉक्टर बन जाते थे। किसी यूनिवर्सिटी में काफी सारे बच्चे फेल होते हैं तो उसके बाद वो बैक लग के फिर पास होके फिर डॉक्टर बनते हैं। तो यूनिवर्सिटी का फर्क है। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद जो एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की बुक्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये मैंने फर्स्ट ईयर की बुक्स पढ़ी हैं अपनी नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। मैंने यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिकल देखा है, ये पढ़ी है। तो 2020 में मैंने देखा कि मैं एक बार जो फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसको देख लेता हूं। तो मैंने आरयूएचएस का जो पेपर दिया उसमें मैं इजिली पास हो गया, लेकिन आरजीयूएचएस का जो मैंने कर्नाटका यूनिवर्सिटी का पेपर दिया उसको मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का फर्क होता है। इसमें किसी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पास कर जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में का हार्ड पेपर होता है, तो ये इसका एक सही आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी चाहते हैं किसी हॉस्पिटल में हमारा खुद का ट्रीटमेंट करवाने जाएं या फिर हमारा रिलेटिव का ट्रीटमेंट करवाने जाएं तो एक अच्छे डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट करवाएं। ये सभी चाहते हैं अच्छे डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाएं, और वो एक अच्छा डॉक्टर अभी हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम उनका पूरा मापदंड तो लेके बैठे नहीं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, किसकी सिखलाई अच्छी है। तो एक इस टेस्ट से पास किया हुआ डॉक्टर नेक्स्ट एग्जाम पास किया हुआ डॉक्टर अगर है तो हम उस पर फेथ कर सकते हैं कि हां इससे हम इलाज करवा सकते हैं। तो इसलिए ये मतलब कि थोड़ा सा मेडिकल की जो एजुकेशन है इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि आने वाले टाइम में ये बोटलनेक होगा। बोटलनेक का मतलब क्या होगा? बोटलनेक का मतलब ये होगा कि इनपुट इसमें ज्यादा होगी और इसमें आउटपुट कम होगी। बोटलनेक का मतलब इनपुट कम होगी, एग्जाम काफी बच्चे देंगे, पास उसमें कम बच्चे कर पाएंगे, तो बोटलनेक तो होगा, लेकिन जो पास करेंगे आउटपुट निकलेगी वो अच्छे डॉक्टर होंगे। तो ये हमने इसलिए इस एग्जाम में भी ये चाह रहा था कि एमबीबीएस करने के बाद एक ऐसा एग्जाम लगे जिसको डॉक्टर क्वालिफाई करे और जो डॉक्टर क्वालिफाई कर रहा है वो ही आगे प्रैक्टिस कर सके। तो इस प्रकार की मैं भी चाह रहा था और आप सभी भी चाह रहे होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर से ही अपना इलाज करवा पाए। तो इसलिए मैंने कब का आपको बता दिया है कि एक एग्जाम कब लागू होगी और क्यों लागू होगी, इसके बाद में कैसे लागू होगी, इसका पैटर्न क्या होगा। तो इसका जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा यूएसएमली एग्जाम के ऊपर बनाया गया है। यूएसएमली का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। ये जो एग्जाम है, पहले मैं आपको यूएसएमली के बारे में बता देता हूं थोड़ा थोड़ा।
अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाह रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे हैं, तो इसका आप कमेंट्स कर दें। मैं अलग से एक सेपरेट बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा यूएसएमली के बारे में। लेकिन मैं आपको यहां पर अभी यूएसएमली के बारे में मोटी मोटी सी जानकारी दे देता हूं। हो सकता है आप भी यूएसएमली का एग्जाम देना चाहें, या फिर नेक्स्ट में तो यूएसएमली का पैटर्न, ये नेक्स्ट का जो पैटर्न है यूएसएमली पर बेस्ड है, तो थोड़ा सा मैं आपको यूएसएमली के बारे में यहां पर जानकारी दे देता हूं। तो जो यूएसएमली का एग्जाम है, यूएसएमली का एग्जाम है वो यूएस में पीजी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। यानी कि यूएस में जो स्टूडेंट पीजी करना चाहते हैं, वहां पीजी को रेजिडेंसी कहा जाता है, तो वो वहां से पीजी करना चाहते हैं यूएस से, तो उनको यूएसएमली देना होगा। इसके अंदर जो यूएस के जो कंट्री हैं, जो यूएस से हैं, उनको तो पीजी एग्जाम, रेजिडेंसी एग्जाम देना ही होगा, क्योंकि वो तभी प्रैक्टिस कर पाते हैं। इंडिया में क्या होता है कि एमबीबीएस करने के बाद, अंडर ग्रेजुएट करने के बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो स्टूडेंट पीजी यानी कि रेजिडेंसी करेगा, उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर पाएगा। यानी कि अंडर ग्रेजुएट करने के बाद में उनको पोस्ट ग्रेजुएट करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट भी वहां से पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको वहां की सीटें बता देता हूं। तो ये टोटल जो यूएसएमली में सीटें हैं वो 38,000 है, उसमें अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 7,500 सीट्स है। यानी कि अदर कंट्रीज है, सॉरी अदर स्टेट बोल गया मैं, क्योंकि अभी तो इंडिया की काउंसलिंग चल रही है, तो स्टेट वाइज चल रही है, इसलिए अदर स्टेट का नाम ही आ रहा है। अदर कंट्री के लिए 7,500 सीट्स है, इसमें सभी कंट्री के कैंडिडेट जा सकते हैं। अभी ये जो यूएसएमली का एग्जाम होता है, ये यूएसएमली का एग्जाम तीन स्टेप्स में होता है, स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री। ये तीन स्टेप में एग्जाम होता है। इस स्टेज में दो एग्जाम होते हैं, इस स्टेज में भी दो एग्जाम होते हैं। तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होता है वो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। अगर हम इंडिया की माने तो इंडिया में थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद में ये एग्जाम दे सकते हैं, यूएसएमली स्टेप वन का। यानी कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर पूरा हो जाता है, आपकी हॉस्पिटल पोस्टिंग लगने लग जाती है, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद दे सकते हैं। क्योंकि इसमें स्टेप वन में जो सिलेबस आएगा वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ही आएगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद में जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, फार्मा, पैथो, माइक्रो बायोलॉजी, तो इस प्रकार के ये ही इसमें सब्जेक्ट आते हैं स्टेप वन में। जो स्टेप वन का थ्योरिटिकल एग्जाम होता है वो एग्जाम वन डे एग्जाम है। यानी कि ये एग्जाम एक दिन में लगेगा, और इसमें वन वन हावर्स के 8 ब्लॉक्स होते हैं। इसमें वन ब्लॉक है रेस्टिंग है, और इसमें जो 7 ब्लॉक एग्जाम लगती है, इसमें वन ब्लॉक में 40 एमसीक्यूज आते हैं। यानी कि ये टोटल 280 मार्क्स का ये पेपर होता है, 280 मार्क्स का स्टेप वन का, यूएसएमली स्टेप वन का 280 मार्क्स का पेपर होता है। अब इस 280 मार्क्स में 192 पासिंग मार्क्स है, 192 पासिंग मार्क्स का मतलब आपके 192 मार्क्स आ गए तो आपने यूएसएमली स्टेप वन की जो स्टेप वन है वो क्लियर कर लिया है। अब ये स्टेप वन क्या काम आता है, स्टेप वन आपकी रेजिडेंसी के लिए ये स्कोर है। यानी कि ये आपके पासिंग मार्क्स 192 आ गए तो आप स्टेप वन में क्वालिफाइंग कर गए, उसके बाद आप स्टेप टू का एग्जाम दे सकते हैं। अब जो स्टेप वन का जो एग्जाम है, इसी से आपको, इसी की वैल्यू से ही आपको रेजिडेंसी में एडमिशन मिलेगा वहां से। तो ये तो हो गया स्टेप वन की बात। अभी इसमें स्टेप टू एग्जाम भी होता है, इसमें स्टेप टू एग्जाम होता है,
यूएस असेंबली में स्टेप वन क्लियर करने के बाद। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्टेप वन एग्जाम है ये अगर आपने इसमें आप अफेयर हुए हैं और पास कर लिए, इसमें पास यानी क्वालिफाइंग कर लिए, तो इसमें आप 7 साल तक दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते यूएस असेंबली का, न तो स्कोर इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते और न ही 7 साल के बाद ही दे सकते हैं। तो इसमें आप ये देखना कि अगर आपका क्वालिफाइंग हो रहा है, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है, फेल होना है। तो फेल होने के बाद आप नेक्स्ट ईयर में भी एग्जाम दे सकते हैं इसके लिए। अब मैं आपको यहां बता दूं कि अगर आपको यूएस में एमडी एमएस वगैरह करना है तो वहां एमएस की ब्रांच से काफी हाई मार्क्स पर मिलती है, यानी कि 270 या वो पर मिलती है। बाकी वहां पर ईएमटी, पेडेट्रिक्स, रेडियोलॉजी ये कम मार्क्स पर भी मिल जाती है, यानी 240 मार्क्स पर भी आपको ये ब्रांचें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यूएस असेंबली स्टेप टू की। तो स्टेप टू में क्या होता है कि इसमें थ्योरी पोर्शन भी आता है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी आता है, इसमें दोनों पोर्शन आते हैं स्टेप टू में। तो ये जो स्टेप टू है ये इसमें 9 आवर्स का पेपर है, ये 9 आवर्स का पेपर है और टोटल 318 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग ही करना है, कोई स्कोर आपका आगे रेजिडेंसी के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन इसमें अगर आप क्वालिफाइंग कर गए तो उसके बाद आप रेजिडेंसी कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं यूएसए। अब इसके अंदर जो क्वालिफाइंग स्कोर है स्टेप टू का, जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो 209 मार्क्स, अगर आपके 209 मार्क्स आ गए तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो गए। अब मैं आपको एक पासिंग रेशियो बता देता हूं यहां पर स्टेप वन का। जो यूएस असेंबली स्टेप वन होता है तो जो यूएस और कनाडा के जो स्टूडेंट हैं, जो यूएस और कनाडा के स्टूडेंट हैं उनके 96% पासिंग रेशियो है, क्योंकि वहां तो पीजी करने के बाद ही प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो उनका जो पासिंग रेशियो है वो 96% है स्टेप वन के लिए। जो इंडिया और अदर स्टेट के हैं उनका 87% पासिंग रेशियो है। जब स्टेप टू के पासिंग रेशियो की बात करें तो ये 97 हो जाता है और ये 90% तक स्टेप टू में पास कर लेते हैं स्टूडेंट यूएस असेंबली के। इसमें अभी यूएस असेंबली का थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे हम, लेकिन फिर भी मैं स्टेप थ्री के बारे में और बता देता हूं। अगर आपका स्कोर आ गया 209, ये क्वालिफाइंग स्कोर है, इसमें पास और फेल का ही रिजल्ट दिया जाता है, इसमें कोई परसेंटेज वगैरह वो नहीं है। 209 से ऊपर मार्क्स आप पास हैं, अदरवाइज फेल हैं इसमें। अब स्टेप थ्री की बात करें तो स्टेप टू क्लियर करने के बाद में आपने क्या करना है, पीजी करना है यूएस में। जब यूएस में आपका पीजी कंप्लीट हो जाता है तो स्टेप टू की एग्जाम लगती है। अब जब आप स्टेप थ्री की एग्जाम लगती है, स्टेप टू क्लियर करने के बाद आप अंडर सुपरविजन में प्रैक्टिस कर सकते हैं यूएस या फिर अदर कंट्रीज में। लेकिन अगर आपने स्टेप थ्री पास कर लिया तो आप बिना किसी सुपरविजन के प्रैक्टिस कर सकते हैं पीजी में, और इंडिया में भी वो डिग्री वैलिड है। इंडिया में 5 देशों की डिग्री जो पीजी डिग्री है वो वैलिड है, उसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो ये एक यूएस असेंबली का मैंने आपको पैटर्न बताया है। आप भी अगर यूएस से पीजी करना चाहते हैं तो आपके लिए यूएस असेंबली की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करनी होगी, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद सेकंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मा, इसके बाद में पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके आएंगे ही आएंगे। तो आपने अच्छी तरह से इनकी फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करनी है अगर आप यूएस असेंबली एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो। अभी इसी यूएस असेंबली एग्जाम के बेस पर नेक्स्ट एग्जाम लागू किया है, तो अब हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम जो इंडिया में ही मान्य है, वो पीजी के लिए भी काम आता है नेक्स्ट एग्जाम। अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट एग्जाम है वो आपके नेक्स्ट एग्जाम सबसे पहले तो एमबीबीएस की आपने एमबीबीएस का कोर्स करने के बाद में जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है
वो तो नॉर्मली होगी ही होगी, एक तो उसको रिप्लेस करेगा ये नेक्स्ट एग्जाम। अब ये दो एग्जाम होंगे, नेक्स्ट वन होगा और ये नेक्स्ट टू होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम एक तो एमबीबीएस का एग्जिट एग्जाम है, यानी कि एमबीबीएस से आप एग्जिट तभी कर पाएंगे जब नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अब इसमें फर्स्ट तो एग्जिट है, दूसरा है इसमें जो एब्रॉड से करते हैं उनका यहाँ पर एफएमजी एग्जाम लगता है उसको रिप्लेस करेगा, और जो तीसरा है नीट पीजी को रिप्लेस करेगा, यानी कि नीट पीजी नहीं होगा, नेक्स्ट का जो स्कोर होगा उसी में पीजी में एडमिशन होगा आपका। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं कि ये यूएसएमली के बेस पर बनाया गया। यूएसएमली में तीन स्टेप होते थे, इसमें दो स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप है यूएसएमली की त्रयी है, थ्योरिटिकल होगा, तीन दिन का एग्जाम होगा, 3 डेज एग्जाम होगा नेक्स्ट वन, और ये 13.5 आवर्स का एग्जाम होगा और 545 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये 3 दिन तक एग्जाम चलेगा आपका नेक्स्ट वन। आप अगर इंडिया में एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, या फिर आपने एब्रॉड से एमबीबीएस किया है तो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो ये आपको नेक्स्ट वन क्लियर करना होगा और ये इसका आपको एग्जाम देना होगा। अब इसमें मिनिमम मार्क्स कितनी चाहिए, जो 545 का जो ये पेपर है इसके अंदर आपका मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें मिनिमम मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ये कब होगा, जब 22 मिड में ट्रायल होगा उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि ये कितना रखा जाए, पासिंग रेशियो कितना रखा जाए ताकि बोटल नेक कम से कम हो सके। तो ये होगा 22 में डिसाइड, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। अब इस नेक्स्ट एग्जाम में और यूएसएमली एग्जाम में डिफरेंस ये है कि नेक्स्ट एग्जाम आप नेक्स्ट वन है वो स्कोर इम्प्रूवमेंट के लिए आप कितनी ही बार दे सकते हैं, लेकिन यूएसएमली एक बार देने के बाद अगर आपने क्वालिफाइंग कर लिया तो 7 साल तक नहीं दे सकते उसमें। इसके बाद स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप इसको नेक्स्ट वन को कितनी भी बार दे सकते हैं। नेक्स्ट वन में जो 545 का जो स्कोर आएगा इसको आप क्वालिफाइंग करने के बाद में आप इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद में इंडिया में इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप करने के बाद आपको उसके बाद में नेक्स्ट टू का एग्जाम देना होगा। ये सारा नेक्स्ट वन का एग्जाम है, ये थ्योरिटिकल एग्जाम होगा, इसमें सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की जो आपकी स्टडी है उससे आएंगे, लेकिन उसमें इसमें इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी जुड़ा हुआ होगा, तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी अच्छी तैयारी करनी है। इसमें जो मेन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे, मेडिसिन के आएंगे, ईएनटी के आएंगे, ओथाल के आएंगे, तो इसमें मेन सब्जेक्ट्स के आएंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ में वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट वन का एग्जाम होने वाला है, और जो अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका तो एग्जाम होगा ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टू जो एग्जाम है ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इसमें भी पासिंग का जो क्वालिफाइंग जो है अभी रखा नहीं गया है, ये इसमें भी पास और फेल की कंडीशन ही है। इसके बाद आपने नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू क्लियर कर लिया, इंटर्नशिप हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टू क्लियर कर लिया, आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद आप इंडिया में आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीजी के लिए करना चाहें तो पीजी का जो स्कोर है आपका 545 में से नेक्स्ट वन का जो स्कोर आया है उसी के मेरिट बेस पर पीजी का एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग का सेम प्रोसीजर यही रहेगा,
जो नीट पीजी का है। फर्क इतना ही रहेगा कि पहले नीट पीजी से स्कोर आता था, अभी नेक्स्ट वन से ये स्कोर आएगा। तो ये कंडीशन है नेक्स्ट वन की, नेक्स्ट टू की। यूएसएमली के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे हम जो एब्रॉड के स्टूडेंट हैं, जिनको एफएमजी एग्जाम अभी तक दे रहे हैं, उनके लिए भी ये नेक्स्ट एग्जाम लागू होगा। तो एफएमजी में अभी तक क्या होता आया है, एफएमजी में जो अभी तक होता आया है वो ये है कि एक ईयर में दो बार ये एग्जाम लगती है। दो बार लगती है ये एग्जाम, एक तो जून में लगती है और एक दिसंबर में लगती है। इसमें कोई इसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये एग्जाम फ्री है, यानी कि आप कितनी भी अटेम्प्ट इसमें दे सकते हैं। दूसरी बात, 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, यानी कि इसमें 300 क्वेश्चन आते हैं और सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल एग्जाम है। इसके बाद में आपको 150 मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए लाने हैं। तो आप इसमें जब 150 मार्क्स ला रहे हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अभी तक एफएमजी का ऐसा ही एग्जाम होता है। लेकिन अभी ये नेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, नेक्स्ट वन के साथ में, और जो इंडिया की कंडीशन है वो ही लागू हो जाएंगी। फर्क इतना ही रहेगा कि आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर बाहर से। नेक्स्ट वन आपको देना है, कंडीशन सेम है, सिलेबस सेम है। नेक्स्ट टू आपको देना है, उसके बाद आगे जो कार्रवाई होती है वो इंडिया की तरह ही होगी। बस फर्क इतना है कि आप बाहर से अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। तो ये 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स जो क्वालिफाइंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने 300 के 300 क्वेश्चन करके आने हैं आपको। तो इसका जो पासिंग रेशियो अभी तक रहा है, जो अभी तक पासिंग रेशियो रहा है वो 8% से 20% पासिंग रेशियो रहा है। 8% से 20% पासिंग रेशियो रहा है इस कंडीशन में। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, 300 का पेपर जिसमें 150 करो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, फिर भी जो इसका पासिंग रेशियो है वो 8% से लेके 20%, किसी साल 8% रह जाता है, किसी साल 12% रह जाता है, किसी साल 20% रह जाता है। तो इस प्रकार का ये पासिंग रेशियो है। अगर आपको इसका पासिंग रेशियो देखना है तो एनबीई की वेबसाइट पर आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसका पासिंग रेशियो है। तो जो एब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं, मेरा ये वीडियो जरूर देखना। उसके बारे में मैंने जो नेक्स्ट के बारे में बताया है, यूएसएमली के बारे में बताया, एफएमजी के बारे में बताया। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, एमबीबीएस में मेहनत करनी होगी आपको, अगर एब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं तो, इंडिया से कर रहे हैं तो मेहनत तो हर जगह ही करनी है, लेकिन अगर आप एमबीबीएस एब्रॉड से कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत करने के बाद ही आप यहां नेक्स्ट वन का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो, जिनका नीट में मार्क्स कम आता है किसी कारणवश, लेकिन वो एमबीबीएस अच्छी तरह से कर लेते हैं, अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सपना ही देखते हैं, वो सोचते तो हैं मैं कर लूंगा लेकिन वो आगे करते नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जो मैंने देखा है, सभी बच्चों के साथ नहीं होता है जो मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सपना देखते हैं एम्स दिल्ली का, लेकिन जब वो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तब ये सोचते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं एग्जाम के टाइम में पढ़ लूंगा, दो महीने पढ़ लूंगा, आज मैं ये पिक्चर देख लेता हूं, ये आज शादी अटेंड कर लेता हूं। तो इस प्रकार से करते रहते हैं। जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में अभी क्या पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, एग्जाम सिर पर आ गया, ये एग्जाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन्ड होगा, अभी ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो जो एब्रॉड जाना चाहते हैं वो स्टूडेंट, अगर वो एमबीबीएस की पढ़ाई अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तभी एमबीबीएस का प्लान एब्रॉड के लिए बनाए और अच्छी यूनिवर्सिटी, वहां की अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करें। और इंडिया में भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो इंडिया में भी आपके लिए हॉस्पिटल में
जो आपको क्लिनिकल स्किल बढ़ानी है वो हॉस्पिटल आपके लिए अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी क्लिनिकल स्किल अच्छी होगी। तो आप इंडिया में भी अगर एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छी कॉलेज चुने जिसमें हॉस्पिटल में अच्छा पेशेंट फ्लो है, अच्छी सिखलाई है, अच्छे लैब्स हैं, उनको आप प्रायोरिटी दें। तो ये एक काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो था। काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो इसलिए था कि आपने काउंसलिंग में इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कॉलेज चूज करनी है। बाकी अगर आप काउंसलिंग की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में बुक भी लिख दी है, वो बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी साथ साथ काउंसलिंग के साथ साथ जो भी अपडेट रहेंगी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। इस वीडियो में जो भी मेरे से गलती हुई है, हो सकता है फ्लो में मैंने बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दिया है, लेकिन जो मैंने ये डाटा निकाला है ये usmly.org आप भी सर्च कर सकते हैं, www.usmly.org की वेबसाइट से यूएसएमली का डाटा लिया गया है, एफएमजी का डाटा एनबी की वेबसाइट से लिया गया है, और जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका डाटा ड्राफ्ट से और फिर एनएमसी की वेबसाइट से लिया गया है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैं सोच रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद में आपको और किसी वीडियो की जरूरत नहीं होगी। आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें और अच्छी पढ़ाई करें। मस्ती का जो समय है वो आपका अभी तक था, वो खत्म हो गया है। अभी आपको कॉलेज में अच्छी एमबीबीएस करने अच्छी तरीके से और अच्छा डॉक्टर बनना है। मिलेंगे नई अपडेट नए वीडियो के साथ में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी जगह आपसे मुलाकात जरूर होगी। मिलेंगे नए वीडियो में नई जगह नई मुलाकात के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।